जम्मू कश्मीर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर तैनात इस जवान ने अपने अफसरों पर संगीन आरोप लगाए हैं। बीएसएफ की 29 बटालियन के जवान तेज बहादुर का कहना है कि जिन विपरीत हालात में जवान सीमा पर तैनात होकर देश की सुरक्षा में लगे हैं, उसका ख्याल उनकी सुविधाओं और खान पान में नहीं रखा जाता। जवान की माने तो सरकार उनके लिए सारी सुविधाएं देती है, लेकिन अफसर उन तक पहुंचने नहीं देते। नाश्ते और लंच में इन्हें घटिया, बेहद घटिया चीजें परोसी जाती है। सरकार हर चीज, हर सामान हमारे को देती है, लेकिन उच्च अधिकारी सब बिक्री करके खा जाते हैं, जो कि हमारे को कुछ नहीं मिलता। इन हालातों में ऐसी किन हालात हैं, कई बार तो जवान भूखे पेट भी सोना पड़ता है। मैं सुबह का नाश्ता आपको दिखाऊंगा, जो कि एक पराठा मिलता है, जिसमें ना कुछ भी नहीं है, ना अचार है, ना सब्जी है, सिर्फ चाय के साथ। दोपहर का खाना मैं आपको दिखाऊंगा, कंटिन्यू दाल जो है, जिसके अंदर सिर्फ हल्दी और नमक होगा, उसके सिवाय कुछ नहीं होगा। रोटियों की हालात भी दिखाऊंगा। इस जवान ने ये डर भी जताया है कि वीडियो के सामने आने के बाद उसके लिए खतरा बढ़ सकता है। पीएम से इसकी अपील की है कि हकीकत में जवानों को क्या सुविधाएं मिल रही हैं, इसकी जांच करवाई जाए। माननीय प्रधानमंत्री जी से भी कहना चाहता हूं कि कृपा करके इसकी जांच करवा। दोस्तों, ये वीडियो डालने के बाद शायद मैं रहूं या ना रहूं, क्योंकि अधिकारियों के बहुत बड़े हाथ है, वो मेरे साथ कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी कुछ भी हो सकता है, आप सोच सकते हो। इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं, पूरा शेयर करें, ताकि हर मीडिया के यहाँ जांच करे, देखे कि किन हालातों में जवान है। वहीं जम्मू कश्मीर में बीएसएफ के आईजी ने जवान के आरोपों को बेबुनियाद बताया है। बीएसएफ में जो हमारी आईबी पर डिप्लॉयड बटालियंस हैं, उनमें राशन जो है बीएसएफ परचेज करती है, जो कि एसओज का, ऑफिसर्स का और ओआरस का अपनी अलग अलग मैसेज होती हैं और उनकी अपनी अपनी कमेटी होती है, और उसके हिसाब से जो है वो खाना उनका परचेज होता है और अपनी हिसाब से उनका मेन्यू बनता है, जिसको कि बाद में जवान जिस चीज को पसंद करते हैं वैसा बनाया जाता है। रक्षा विशेषज्ञ भेदभाव की बात से पूरी तरह इनकार तो नहीं करते, लेकिन उनका कहना है कि ऐसे मामले सेना के अंदर ही सुलझा लिए जाने चाहिए। ये मसला इन हाउस होना चाहिए था और बीएसएफ का पब्लिक रिएक्शन होना ही नहीं चाहिए था। इसकी जांच करें, ये स्टेट ऑफ डेस्परेशन है। अगर इनके ऊपर जांच ध्यान से नहीं किया जाए तो तभी वो सुसाइड कमिट होते हैं, तभी फ्रेट्रीसाइड के इंसिडेंट्स होते हैं कि जब जवान अपने सुपीरियर को मार देता है। तो ये बड़ी गंभीर समस्या है, जिसको आपने उस गंभीरता से देखना चाहिए, जिस गंभीरता की वजह से और जिस कामयाब की वजह से इसको डाला गया। कांग्रेस और जेडीयू जैसे विपक्षी दलों ने मामले में सरकार से जवाब मांगते हुए जिम्मेदार अफसरों पर कार्रवाई की मांग की है। हमारे जो लोग सीमाओं पर मुस्तैद हैं, उनकी देखभाल करना हम सबका एक तरीके से एक राष्ट्रीय कर्तव्य बन जाता है, और खासकर सैनिकों का। आप 2-3-4 घंटे 6 घंटे की ड्यूटी करते हैं, तो मैं तो आशा करूंगा कि सरकार इस पर इंक्वायरी करे। अगर वहां कोई विशेष स्थानीय गड़बड़ी है तो उसको ठीक करें, और अगर कोई नीति के स्तर पर या बीएसएफ के काम के स्तर पर ऐसा लग रहा है कि हमारे सिपाहियों का ध्यान नहीं दिया रहा है, तो तुरंत उसको बदलकर एक ऐसी व्यवस्था लाएं जिसमें इस तरह की दिक्कतें जो हैं हमारे सिपाहियों को ना हो। अब बीएसएफ जवान ने इस मामले को सार्वजनिक किया है और सरकार विवश है कि उस पर कोई एक्शन ले। इस तरह का खाना, इस तरह घटिया खाना कैसे हमारे जवानों को दिया जा रहा है, इस पर सरकार की जवाबदेही बनती है। वायरल वीडियो पर गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट करते हुए गृह सचिव को जांच के आदेश दिए हैं। जवानों के साथ अफसरों के सुलूक को लेकर सवाल पहले भी उठते रहे हैं। क्या इस नए मामले की जांच के बाद सरकार ऐसे इंतजाम करेगी जिससे ऐसे सवाल की गुंजाइश ही न रहे। दिल्ली से सचिन भाटिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, APN।